एक ही समय पर पैदा हुए दो बच्चों का भाग्य अलग अलग कैसे होता है? अगर एक ही वक्त पर दो इंसान पैदा होते हैं या दो सगे भाई होते हैं तो एक भाई का आचरण कुछ और होता है जबकि दूसरे का आचरण कुछ और होता है। दोस्तों, यही सवाल एक बार एक राजा के मन में आया और राजा ने भरी सभा में, जहां बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए थे, उन्होंने उनसे प्रश्न कर दिया कि आप लोग मुझे बताइए कि एक ही समय पर पैदा होने वाले बच्चों का भाग्य अलग अलग कैसे होता है। राजा ने जब यह प्रश्न किया तो उस सभा में बड़े बड़े विद्वान मौजूद थे। राजा ने कहा कि जब मैं पैदा हुआ उसी वक्त अनेकों बच्चे पैदा हुए थे, तो मेरे ही भाग्य में राजा बनना क्यों लिखा हुआ था? तभी उसी में से एक विद्वान खड़ा हुआ और उसने कहा कि हे राजन, इस प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ से कुछ दूर पहाड़ी पर बैठा हुआ एक संत दे सकता है। वह संत हमेशा तपस्या करता रहता है, वही तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर बता सकते हैं। राजा के मन में इस प्रश्न के उत्तर को जानने की बड़ी जिज्ञासा थी। राजा तुरंत उठकर वहां चला गया तो राजा ने देखा कि वह महात्मा आग में से बड़े बड़े अंगार को निकाल करके खा रहा है। तो राजा ने जब उससे सवाल किया कि महात्मा जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एक ही समय पर पैदा हुए बच्चों का भाग्य अलग अलग कैसे होता है? गुस्से में उस महात्मा ने बोले कि हे राजा, यहां से तुरंत चले जाओ और जो पास में झरना बह रहा है वहां पर तुम्हें एक महात्मा मिलेंगे, इस सवाल का उत्तर तुम्हें वही देंगे। अब वह राजा उस महात्मा के पास चला गया तो वह जो महात्मा थे वह अपने ही शरीर का मांस नोच नोच करके खा रहे थे। राजा ने जब देखा तो राजा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। राजा ने अपने आप को बहुत ही धीरज दिया और बड़ी देर के बाद राजा ने उस महात्मा से प्रश्न किया। महात्मा ने गुस्सा करते हुए राजा से कहा कि दोबारा इस प्रश्न को हमसे मत पूछना। यहां से कुछ दूर पर एक गांव है, उस गांव में एक 4-5 साल का बच्चा है और वह मरने वाला है, वही तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर बता सकता है। राजा के मन में उस प्रश्न के उत्तर को जानने की बड़ी ही जिज्ञासा थी, क्योंकि वह सवाल ही जबरदस्त था। तो राजा उस बच्चे के पास चला गया और उस बच्चे के माता पिता सभी वहीं बैठे हुए थे। तो उस बच्चे से भी राजा ने यही सवाल किया कि तुम मुझे बता सकते हो कि एक ही वक्त पर पैदा हुए बच्चों का भाग्य अलग अलग कैसे होता है? राजा को देख करके वह बच्चा मुस्कुराने लगा और बोला कि मैं आपको बताता हूँ कि पिछले जन्म में हम तीनों आपके भाई रहे। आपने देखा है कि जो महात्मा अंगार निकाल करके खा रहे थे, जो आपको दिखा करके अपना ही मांस नोच करके खा रहे थे, और मैं, हम चारों पिछले जन्म में भाई थे। एक बार हम चारों भाई जंगल में गए और वहां हम लोगों ने 4 रोटियां बनाई। हम सभी भाइयों के हिस्से में एक एक रोटी आई। तभी वहां पर भूखा हुआ एक व्यक्ति आ गया। वह भूख से व्याकुल था। उस भूखे हुए व्यक्ति ने जब उस अंगार खाने वाले महात्मा से रोटी मांगी तो उन्होंने कहा कि यदि मैं तुम्हें रोटी दे दूंगा तो क्या मैं अंगार खाऊंगा? और उन्होंने उसको भूखे हुए व्यक्ति को रोटी नहीं दी। और जब वह उनके पास आया, अपने ही शरीर का मांस नोच नोच करके खा रहे थे। जब उनसे उस व्यक्ति ने रोटी मांगी तो उन्होंने यह कहकर टाल दिया कि यदि मैं रोटी तुम्हें दे दूंगा तो क्या मैं मांस खाऊंगा? तो आपने देखा है कि वही अपने शरीर का मांस नोच नोच करके खा रहे हैं। और जब उस व्यक्ति ने मुझसे रोटी मांगी तो मैंने उससे यह कह दिया कि तुमको रोटी दे करके क्या मैं भूखों मरूंगा? और आज आप देख रहे हैं कि भूख ही के कारण हमारी मृत्यु होने वाली है, क्योंकि भूख से व्याकुल होकर के मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा, क्योंकि मुझे जन्म इस गरीब खानदान में मिला जहां एक वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती है। और जब वह व्यक्ति आपके पास गया तो आपने उन्हें आधी रोटी दे दी और उस आधी रोटी को खाकर उस व्यक्ति की आत्मा तृप्त हो गई। उसने आपको आशीर्वाद दिया और हम सभी को श्राप दे दिया। इसी कारण से जो आप आज देख रहे हैं यह हम तीनों की गति है। आपके भाग्य में राजा बनना आया क्योंकि आपने अच्छे कर्म किए थे और हम लोगों ने बुरे कर्म किए थे, जिसका फल हमें आज भोगना पड़ रहा है। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि व्यक्ति को हमेशा अच्छे कर्म करना चाहिए और दूसरों की मदद करना चाहिए, सेवा करना चाहिए,
क्योंकि मदद करने से, सेवा करने से जब व्यक्ति खुश होता है तो वह आशीर्वाद ही देता है और वह आशीर्वाद बहुत ही फलता है। दोस्तों, राजा को अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। राजा को समझ में आ गया था कि अच्छे और बुरे कर्म ही व्यक्ति के भाग्य को निर्धारित करते हैं, और मैंने अच्छे कर्म किए थे इसीलिए मैं राजा बना। इसीलिए एक ही वक्त पर पैदा हुए हर व्यक्ति का भाग्य अलग अलग होता है, क्योंकि उनके कर्म अलग अलग होते हैं। दोस्तों, कर्म ही महान होते हैं। कर्म ही इंसान का भाग्य निर्धारित करते हैं कि वह व्यक्ति कैसा होगा। अच्छे कर्म करने वाला अच्छी गति को प्राप्त होता है और उसके भाग्य में सुख ही सुख होता है, और बुरे कर्म करने वाला व्यक्ति बुरी गति को प्राप्त होता है और उसके जीवन में दुखों का अंबार होता है। इसीलिए व्यक्ति को हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए और दूसरों की सेवा परोपकार की भावना उसके मन में होनी चाहिए। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी है? यदि कहानी आपको पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देने की कृपा करना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।